अस्सलाम वालेकुम जी भाई, हैदराबाद में हमें एक और चीज मिली है, खादल बादाम। अच्छा, खादल बादाम का नाम भी पहली बार हमने सुना है, तो हमने सोचा कि यार आपको भी दिखाया जाए खादल बादाम होता है क्या है। तो खादल बादाम यार टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि गर्मी भी बेचते हैं, टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं ये है क्या चीज। खादल बादाम भाई ये है क्या? खादल बादाम गर्मी के लिए बड़ा फायदेमंद है, और ये गर्मियों में तकरीबन जो ना हर जगह पे बहुत कम हुई है, तो ये जगह जगह पे ये दादा ही हुआ करता था। बच्चे बड़ा इसको पसंद करते हैं, अच्छा लगता है बेटा? बताओ कैसा लगता है खादल बादाम आपको, अच्छा लगता है? पीते दिखाओ, कैसे पीते हैं इसको? कैसे बेहतरीन, आप भी पी के दिखाए, पीके तो दिखाए, पीके दिखाए, अच्छा सा आप पिए, मैं पकड़ा हुआ, आप बेफिक्र हो गए पिए। बताओ ओए होए 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 होए, कैसा है बेटा बताओ ना? ऐसे ओए होए, मजा आ रहा है पी के? हाँ चले। अच्छा कितने का गिलास है ये? ये अब तो 50 रुपए का गिलास है, हम तो उस वक्त से पीते हैं, 5 रुपए का गिलास हुआ करता था। ओ, क्या बात है भाई। अच्छा ये गांव गोट में ही मिलता था, ये शहर में नहीं होता था, गांव के अंदर होता था, अभी आहिस्ता आहिस्ता शहरों के अंदर भी आ गया ना। सही, जबरदस्त भाई। भाई ये है खादल बादाम, ये देखें भाई, बेहतरीन भाई। इसमें डलता क्या क्या है जरा, अभी आप बनाएंगे? ये भाई बनाने वाले हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें डलता क्या क्या है। ये भाई मस्त हो गया, गिलास साफ यहाँ पे, और ये पहले जाएगी इसमें बर्फ। ओए 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 ओए, गर्मी में बर्फ तो बड़े मजे की लग रही है यार। ये भाई गई बर्फ भाई। इसमें डालते हैं क्या क्या है? इसमें पहले नंबर पे बादाम डालते हैं। बादाम डालते हैं जी हाँ, और उसके अलावा चार मगज है। चार मगज जी हाँ, और उसके अलावा इलायची है। इलायची जी हाँ, और ये ठंडी गोलियां है। ये क्या है भाई? ये पिसा हुआ मसाला है, बादाम, इलायची है, सौंफ है, जीरा है, इसमें डाला हुआ। ये एक गिलास बनाइएगा बस। ये भाई ये बेहतरीन हो गया, चेक करें। और भाई अब इसमें ये नॉरस है, ये एक नंबर है बाबा, दो नंबर का अपने पास है नहीं। अच्छा ये है क्या? ये जामेश्वरी है। जामेश्वरी भाई, अब ये इसमें और मदीद का है, ये हो गया तैयार। हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से मिक्स होता हुआ भैया, चेक करें यार। अब वक्त है टेस्ट करने का। बहुत शुक्रिया भाई। लतीफाबाद 8 नंबर पीछे कौन सा ग्राउंड बताया? मुस्तफा ग्राउंड के पास भाई बैठे हैं खादल बादाम लेके। यार पहली मरतबा, खैर मैंने तो इसका नाम ही सुना है और कभी जिंदगी में इसको टेस्ट नहीं करा। अच्छा आज मौका मिला इसको टेस्ट करने का, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने बताए ना वो तो बड़े ताकतवर हैं भाई, और गर्मी के लिहाज से तो बड़ा ही बेहतरीन है। तो बिस्मिल्लाह। मजा आया पी के भाई, अच्छी चीज है, बेहतरीन चीज लग रही है पीने में, दिल खुश हो रहा है यार। इतनी गर्मी में ऐसी चीज अगर आपको मिले ना, और पांचों मगज और बादाम, वो पता नहीं क्या क्या भाई ने इसके अंदर डाला हुआ है यार, बेहतरीन है। वही अब जो है ना, जरा एक दो लोगों से और पूछते हैं कि उन्हें यहाँ का टेस्ट कैसे लगता है। देखते ही देखते माशाल्लाह से रश बढ़ गया यहाँ पे, तो चले लोगों की तरफ चलते हैं, और फिर उसके बाद हम अपना ये खादल बादाम को फिनिश करते हैं। जी सर, क्योंकि मतलब ये गर्मी के लिहाज से बेहतरीन चीज़ है, पेट के वाले से, गर्मी के वाले से आप मतलब बेहतरीन रहता है, मतलब गर्मी बिल्कुल ओके हो जाता है। बड़ी चौक पे है, 7 नंबर में है, माशाल्लाह अभी से नहीं है, पुराने है, तो मैं तो काफी इनसे पुराना है। बहुत शुक्रिया। ये भाई खादल बादाम का मसाला तैयार होते हुए, इसमें इन्होंने बादाम वगैरह, मगज वगैरह, और ये देखें भाई सौंफ, ये सारी चीजें इसमें जा रही हैं, और उसके बाद ये तैयार होता है। ये सब बड़े पतीले में रखते हैं, उसके बाद ही गिलास में डाल के देते हैं यार, जब भी तो इसमें टेस्ट आता है। बहुत बेहतरीन भाई, मशीन से ये मिक्स हो रहा है, सब पिस रहा है, इसके बाद ये आपको मिलेगा। बड़े लजीज भाई,
इसकी भी लोकेशन हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में दें, वैसे आपको एड्रेस हमने बता दिया है। बहुत ही बेहतरीन चीज हमने पी ली, लोगों को बहुत पसंद आती है। इनका एक कार्ड नहीं, इनके बहुत सारे कार्ड हैदराबाद में लगते हैं, और हैदराबाद वालों को ये चीज जो है ना वो बहुत ही पसंद आती है। मुझे भी वाकई में ये चीज बहुत बेहतरीन लगी। तो इंशाल्लाह आप यहाँ अगर रहते हैं हैदराबाद में, अगर आना हो और गर्मी हो तो ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं करता हूँ इसको एंजॉय, और आप करें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।